की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो त्योहारों से पहले आम लोगों को मिली है महंगाई से राहत। सितंबर में रिटेल इन्फ्लेशन घटकर आई है 5% पर। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के चलते सितंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर जो है उसमें गिरावट आई है। वही सितंबर में खुदरा महंगाई जो है वो गिरकर अब 5.02% पर आ गई है। अगस्त में 6.83% पर रही थी। इससे पहले जुलाई 2023 में खुदरा महंगाई दर 15 महीनों के हाई यानी 7.44% पर पहुंच गई थी। राहत की बात यह है कि सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के जो टॉलरेंस बैंड के अपर लेवल से 6% से अब नीचे आ गई है। वही संख्या की मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सितंबर महीने में खाद्य महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट आई है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर घटकर 6.56% पर आ गई है जो कि अगस्त में 9.94% यहाँ पर रही थी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में महंगाई जो है अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 5.33% पर है जो कि खाद्य महंगाई दर जो है 6.65% पर बना हुआ है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, डीए में हो सकता है तगड़ा इजाफा। इस बार दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है अच्छी खबर आ सकती है। दरअसल दिवाली पर्व पर उनकी सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल ऐसी उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। वही पहले दशहरे तक इसका ऐलान की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन अब रिपोर्ट्स के जरिए जो अपडेट्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक सरकार दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस बार सरकार जो है डीए में 4% का इजाफा जो है वो कर सकती है। वही मोदी सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का अगर इजाफा करती है तो ये 42% से बढ़कर अब 46% पहुंच जाएगा। वह डीए में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों के डीए में इजाफे को लेकर अभी सरकार की ओर से इस तरह की कोई बयान जो है वो नहीं आया है यानी कोई बड़ा जो ऑफिशियल बयान जो होता है वो नहीं आया है। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो मतदान से पहले किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, खाते में आएंगे इतने रुपए। खेती किसानी में काम करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल खेती किसान के काम में जरूरी सहयोग मुहैया कराने के लिए भारत सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो किसानों में जो है किसानों के खाते में 14 किस्तों के पैसे जो है मिल चुके हैं, वो 15वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने भी हैं। वही चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान भी हो गया। वे एमपी, राजस्थान और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। वही अब ये कहा जा रहा है कि मतदान से पहले जो है किसानों के अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। बता दें आपको कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सरकार की ओर से मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे जो है किसानों को अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। साल भर में 3 किस्तें जारी की जाती है। हर एक किस्त में जो है 2,000 रुपये दिए जाते हैं। हर 4 महीनों में 1 किस्त जो है वो जारी की जाती है। तो अभी जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक 15 अक्टूबर 2023 से पहले यहाँ पर ईकेवाईसी जो है वो कराना किसानों को ज़रूरी है। और चुनाव आने से पहले जो है सरकार जो है किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि जो है वो भेज सकती है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है चुनाव को लेकर राजस्थान में अब बदली है चुनाव तारीख, अब इस दिन होगा मतदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख को बदल दिया है। आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 23 नवंबर 2023 के बजाय अब राजस्थान के अंदर जो है 25 नवंबर को मतदान होगा। आयोग ने यह फैसला जो है 23 नवंबर को भारी संख्या में होने वाले शादी ब्याह के आयोजनों को देखते हुए लिया है। वह आयोग ने बताया कि इन आयोजनों के अवसर पर मतदान का इसका असर जो है मतदान पर पड़ सकता है। राजस्थान चुनाव के नतीजे जो पहले की बात जो है 3 दिसंबर को ही जो है आएंगे। वही चुनाव आयोग ने बताया कि आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों से कई सारे आवेदन प्राप्त हुए थे कि 23 नवंबर को बड़े पैमाने पर शादियां और सामाजिक कार्यक्रम है, देवउठनी एकादशी है, जिस कारण अबुझ सावे है। इस कारण कई राजस्थान में यहाँ पर शादियाँ होने वाली है जिसके कारण मतदान की तारीख बदल जाना की बात यहाँ पर कही गई। ऐसे में ऐसा नहीं करने पर बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है, इससे वोटिंग परसेंटेज में कमी आ सकती है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को 23 नवंबर से बदलकर अब 25 नवंबर 2023 कर दिया है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो त्योहारों से पहले सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया है बड़ा तोहफा, अब फिक्स डिपोजिट पर होगा ज्यादा फायदा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को बैंक ने खुशखबरी दी। दरअसल बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में एफडी जो ब्याज दर इसमें 1.25% की वृद्धि की है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि नई दरें जो है 12 तारीख के कल से प्रभावी हो गई है।
वहीं बैंक ने कहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो है एफडी और बैंक की स्पेशल स्कीम पर लागू होगी। बैंक ने कहा है कि 40 से 90 दिन की जमा पर ब्याज दर पर बैंक जो है 1.25% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। इससे व्यक्ति और कारोबार क्षेत्र में अधिक बचत यहाँ पर बचत को उत्साहित जो है वो होंगे, यानी व्यक्ति और कारोबार जो है कारोबार क्षेत्र अधिक बचत के लिए उत्साहित होंगे। वही एक साल में जमा पर बैंक जो है 6.5% ब्याज देगा। एक साल में अधिक जमा पर बैंक जो है ब्याज जो है 0.25% बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है। बैंक ने अपने बयान में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 0.5% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। उन्हें 200 से 400 दिनों की विशेष जमा योजना पर जो है 7% की आकर्षक ब्याज दर जो है वो दी जाएगी।